नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को नवरात्रि के दूसरे दिन में दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। जोर से बोलो दुर्गा मैया की जय। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र पर बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य चंद्रमा इंद्र अग्नि वायु यम वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौवें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि जाजवल्यान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वस्तुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौवें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और एरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल कंकण उज्जवल अर्धचंद्र बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी अंगूठियाँ उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने कभी ना कुमहलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा ना सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा
उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकोर से सब लोग शुभ्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएँ उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति शिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वासकल नामक असुर 60,00,000 असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर भिंदीपाल शक्ति मूसल खंडगों फरसों पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्रादि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारों हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे, मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी का की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फर से भिंदीपाल खड़ग तथा पट्टी इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति खड़ग इत्यादि से सहस्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज़ से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की वाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जांघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में अस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी की युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षणभर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ट के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। तीसरा अध्याय मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।
आशा करती हूँ कि आपको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।